कोरोना वायरस के चलते जहां देश भर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगेगा, उसी के चलते जयपुर मेट्रो और रेल सेवा के बाद अब राजस्थान रोडवेज भी आज रात 9 बजे से बंद रहेगी। उसी के चलते आज जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों का दबाव ज्यादा देखने को मिला। जयपुर से बाहर जाने वाली रोडवेज के बसों में सभी यात्रियों से भरी हुई थी। एक बस चालक के मुताबिक 8 घंटे से ज्यादा सफर करने वाले यात्रियों पर इसका दबाव ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि उन पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का एक मानसिक दबाव बना हुआ है। आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक बसें फिलहाल बंद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी प्रदेश की सरकारी बसें इसका समर्थन कर रही है। उधर प्राइवेट बसों की बात करें तो अभी तक प्राइवेट बसों की तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश नहीं आया है जिसे पता लग सके कि जनता कर्फ्यू में उनका कितना सहयोग रहेगा। अगर प्राइवेट बसें कल चलती है तो कहीं ना कहीं कल कालाबाजारी होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास रहा है कि जब जब रोडवेज बसें बन रही है तब तब प्राइवेट बसों ने मनमानी जरूर की है। विदेशों को आई कोरोना बीमारी को लेकर के अब देश की सभी सरकारें सख्त हो गई है और उसी के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 तारीख यानी कि कल रविवार को जनता जो कर्फ्यू है वो यहाँ लगेगा। पूरे देश में एक आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको उसी को लेकर के अभी हम खड़े हैं जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, जहाँ आज रात से सभी बसों के पहिए थम जाएंगे। अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि इस तरह यहाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जो यात्रियों को जो दबाव है वो यहाँ बखूबी देखा जा सकता है। इस तरह से यात्री हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाए, क्योंकि कहीं कल किसी न किसी तरीके से जो सभी जो यातायात है वो कहीं ना कहीं सभी तरह से बंद रहेगी। एहतियात के तौर पर सभी राज्यों ने यहाँ सभी ट्रेनें और बसें जो है सब बंद करवा दी है, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस देश में फैल रहा है उसको लेकर यात्रियों में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो एक अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुँच पाए और सुरक्षित पहुँचने के साथ ही कहीं दूरी बना के रखे प्रशासन का ज्यादा से ज्यादा सहयोग बंद हो जाएगा 24 घंटे के लिए। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बंद रहेगा। आने वाले कुछ घंटों में ही सिंधी कैंप की जो बसें हैं वो यहाँ बंद हो जाएगी आज रात 9 बजे के बाद। किस तरह यहाँ राजस्थान रोडवेज की बसें जो है वो बंद रहेगी। यात्रियों की जो है वो संख्या है वो यहाँ बढ़ती जा रही है और सभी यात्रियों की कहीं ना कहीं ये चिंता रहती है कि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच पाए और सुरक्षित पहुँच पाए, क्योंकि कल किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू है उसका आह्वान किया है। ये सभी लोग उसका पालन करेंगे और स्वैच्छिक रूप से ये सभी पालन करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ में मैं अंकित माथुर, सत्यवीर न्यूज़ चैनल।